नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ सियासी सफर की चर्चा करने के लिए हैं देवरिया उत्तर प्रदेश के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी। उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनका सियासी सफर अब तक कैसा रहा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। पहला सवाल यही कि हमारे सीरीज का भी नाम है सियासी सफर, तो आपका सियासी सफर कि जो शुरुआत रही वो कैसे हुई? मेरा तो पढ़ाई लिखाई जो है वो गांव में हुई। साधारण किसान परिवार का रहने वाला था, लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए महात्मा गांधी कॉलेज में आया गोरखपुर, तो उस समय मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से हुआ। उसके पहले मैं स्वयं सेवक था। तो 1969 में मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का चुनाव लड़ा महामंत्री पद के दायित्व के लिए महात्मा गांधी कॉलेज, और मैं विजयी रहा। तो वहाँ से मेरा ये सफर शुरू हुआ, और उसके बाद फिर मैं अपना फाइनल पास किया ISC। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने चला गया भागलपुर, लेकिन विद्यार्थी परिषद संबंध मेरा बना रहा, और वहाँ भी मैं विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों में भाग लेता रहा। और 1974 में जब JP मूवमेंट शुरू हुआ और छात्र संघर्ष समिति बनी बिहार में, तो विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में एक मैं भी उसका सदस्य बना और उस संघर्ष में सक्रिय हुआ। और 75 में जब इमरजेंसी लगी तो हम सब लोग भूमिगत होकर के और जो प्रचार प्रसार था वो करते रहे आंदोलन का, और अंत में मेरी गिरफ्तारी छपरा के रेलवे स्टेशन से हुई थी। अच्छा। वहाँ मैं रात को सोया था, ये समाचार पत्र नीचे डाल के और पीछे अपना बैग लगा के, और वहीं गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद कितने दिनों तक लगभग जेल में रहे? 4 महीना रहे, उसके बाद इमरजेंसी ख़त्म हो गई। अच्छा। लास्ट आवर में हम लोग हुए थे तो उसके बाद इमरजेंसी ख़त्म हो गई। फिर 77 में ख़त्म, ये चुनाव घोषित हो गया, और उसी समय हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। मैं फिर गोरखपुर चला आया अपने गृह आवास, और वहाँ उस समय जो जनता पार्टी बनी थी 77 में, उसके प्रचार प्रसार में लग गया। चुनाव प्रचार आरंभ किया जो प्रत्याशी बने थे। उसके बाद जो है 77 के बाद फिर जनता पार्टी में एक जुआ मोर्चा बना था, जनता जुआ मोर्चा, और उस समय किसी भी युवक संगठन को मान्यता नहीं पार्टी दे पाई थी। तो समाजवादी युजन सभा के नाम से भी था, जुआ संघ भी और जुआ मोर्चा भी था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उसके अध्यक्ष थे, तो उसका मैं गोरखपुर में अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद फिर 80 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो उस स्थापना का जो अधिवेशन है वो दिल्ली में ही हुआ था, और दिल्ली में उसमें मैं भाग लिया था। और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद 6 अप्रैल को हुई थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। फिर 80 में जो गोरखपुर की जिला इकाई बनी उसमें मैं उपाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया, और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रहा। ये जो विद्यार्थी जीवन से ही आपका संघर्ष शुरू हुआ, रुचि हुआ, अब सवाल एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही आता है,
कि क्या माता पिता वो परमिशन इजाज़त देते थे या माता पिता को पता नहीं होता था कि आप जो है सियासत की तरफ आपने रुख कर लिया। क्योंकि अक्सर अभी भी बहुत से युवाओं के माता पिता ऐसे हैं, जब लड़का उनका राजनीति की तरफ चाहे किसी भी संगठन में जाता है तो उससे अक्सर यही कहा जाता है कि उधर जाओगे बिगड़ जाओगे, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। ये संकट बहुत बड़ा था। एक तरफ मैं विचार से जुट गया था और मेरी जो विद्यार्थी जीवन था, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो बड़ी मेरिट की थी। मैं ऑलराउंड फर्स्ट क्लास था। तो पिताजी हमारे चाहते थे कि हम कुछ और आगे बढ़ें, आगे पढ़ें और मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पास करें, और मेरी रुचि जो थी वो दूसरे तरफ थी, राष्ट्रीयता की तरफ थी। तो उस द्वंद में मैं रहता था और मेरे पिताजी का कभी मुझे इसका सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कभी बैठा करके वो एकदम डांटे भी नहीं, लेकिन वो कहते थे कि भाई बड़ा ये हमारी जो परिवार की स्थिति है उसमें बड़े लड़के हैं, इसको और आगे बढ़ना चाहिए, तो ये इस रास्ते पर जा रहा। और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह थे, शुभचिंतक थे, वो भी कहते थे कि आप जिस तरफ जा रहे हो ये पार्टी कभी सत्ता में आएगी नहीं, इसमें तो कुछ पाना नहीं। लेकिन हमने कहा कि देखिए, इसमें जो लोग भी अपना जीवन दिए हैं वो देश और के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए, और मेरा उससे लगाव है, इसलिए मेरी रुचि है, और रुचि के विपरीत आदमी जी नहीं सकता। तो इसलिए मैं उन लोगों को संतुष्ट रखने के लिए घर भी जाता था, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता था और फिर मैं यही करता था। एक स्थिति आई कि वो चुप हो गए, फिर इस पर टोकना और रोकना बंद कर दिए, लेकिन हमसे संतुष्ट नहीं रहते थे एक लंबे समय तक। हाँ, लेकिन माता जी हमारी जो है वो बहुत ही हमको स्नेह करती थी, तो कभी कभी तो वो हमको उनसे छिपा करके कुछ मदद कर देती थी। तो इस तरीके से मैं अपना छात्र जीवन बिताया उन्हीं के दबाव में, नहीं तो मैं ISC पास करने के बाद मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वहाँ भी छात्र राजनीति में रहना चाहता था। पिताजी का ये हमारे दबाव था, तो उन्होंने कहा कि तुम कंपटीशन में बैठे नहीं, हमसे उनसे मैं गलत बोल दिया, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठा नहीं MBBS में एडमिशन के लिए। तो उन्होंने फिर हमारे एक रिश्तेदार थे उत्तर प्रदेश में मेडिकल में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि इनका नाम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लिखा दीजिए, दिशा बदल जाएगी, रुचि बदल जाएगी। तो मेरा एडमिशन भी जो हुआ, ये जो मैं डॉक्टर बना, तो उस दबाव में बना और फिर मैं वहाँ एडमिशन ले लिया, पिताजी की इच्छा का पालन किया। लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ भी वो मेजॉरिटी मिल गई और फिर परिस्थितियाँ बदली और मैं उधर बढ़ता गया। तो 80 में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा 80 से शुरू हुई और उसके बाद जो है आगे बढ़ती रही। 82 में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, 84 से 89 तक मैं गोरखपुर जनपद भाजपा का अध्यक्ष रहा, और 89 में गोरखपुर जनपद का विभाजन हुआ, महाराजगंज जनपद बना, मेरे ही कार्यकाल में बना। तो उस समय मुझे ये हुआ कि हमारे पूरे ज़िले के अध्यक्ष हैं, अब उसमें से आधा हो जाएगा, तो ये भी ने नियमों के को छूट देते हुए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय कल्याण सिंह जी थे और इन लोगों ने कहा कि और माननीय कलराज जी महामंत्री थे, तो इन्होंने कहा भाई ये संगठन की रुचि इनकी है, संगठन के लिए ठीक है, तो नहीं तो विभाग संगठन मंत्री संघ के प्रचारकों में से आते थे, मैं संघ का स्वयं सेवक था, प्रचारक नहीं था, लेकिन मुझको विभाग संगठन मंत्री घोषित कर दिया गया। और मैंने आग्रह किया कि विभाग संगठन मंत्री ट्रांसफरेबल पद होता है, आज ही विभाग में वहाँ विभाग में, तो मैं रहूँगा तो गोरखपुर ही रहूँगा, तो मुझे गोरखपुर ही रखा गया। तो 89 से लेके और 95 तक मैं गोरखपुर का विभाग संगठन मंत्री रहा, और फिर
95 में मैं डायरेक्ट विभाग संगठन मंत्री से प्रदेश महामंत्री बनाया गया, और 95 से लेकर के और 2007 तक मैं उत्तर प्रदेश का महामंत्री रहा, और कुछ वर्षों तक मेरे पास महामंत्री संगठन का भी दायित्व अतिरिक्त रहा, कोई होल टाइमर नहीं था, और 2007 से 2010 तक मैं उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष रहा, और 2010 से 2012 तक मैं महाराष्ट्र प्रदेश का सह प्रभारी रहा, और 12 से 14 तक मैं झारखंड प्रदेश का प्रभारी रहा, और 14 में जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, माननीय अमित शाह जी हमारे प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के, तो उस समय पुनः मुझे उत्तर प्रदेश चुनाव प्रबंध का अध्यक्ष बना करके फिर उत्तर प्रदेश में उस चुनाव में भाग अपना योगदान किया, और उसके बाद मैं फिर तो ये आप 2019 में लोकसभा लड़ा। इसके पहले 2000 से लेके 2012 तक मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य रहा, चुनावी राजनीति में एमएलसी रहा मैं 12 साल, और जब मैं जिला अध्यक्ष जिस वर्ष हुआ, जिला अध्यक्ष बाद में हुआ, और मैं गांव प्रधान चुन लिया गया था 84 में 28 वर्ष की अवस्था में, और 28 वर्ष की अवस्था में मैं गांव प्रधान हो गया था, और 84 से 89 तक रहा, प्रधान होने के बाद मैं जिला अध्यक्ष हो गया, फिर तो दोनों काम करता था, गांव का भी और जिले का भी घूमता रहता था। चुनावी राजनीति में फिर 91 और 93 ये जब विधानसभा का चुनाव हुए तो संगठन मंत्री रहते हुए वो भी मैं उदाहरण था, और हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं कोई क्षेत्र में लड़िए जिससे उससे पब्लिक में एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो एक क्षेत्र हमारे जिले में ऐसा था जहाँ से कभी हमारी पार्टी नहीं लड़ी थी, कोई आधार भी नहीं था, वहाँ से मैंने लड़ा गया था, लेकिन उसमें मैं हार गया था 1400 मतों से, कौड़ीराम 1400 मतों से मैं पराजित हो गया था। उसके बाद संगठन में मैं चला गया उधर, और संगठन में फिर करते हुए फिर 2012 में मुझे चुनाव लड़ने के लिए सबको कहा गया, हमारे यहाँ साथ में हम लोगों की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में स्ट्रेटजी बनी थी, तो उस समय सभी पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष सब चुनाव लड़े थे, तो मैं उस समय महाराज गंज के सिसवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और उसमें मैं कामयाब नहीं रहा, और उसके बाद मैं फिर 2019 में लड़ा लोकसभा का, इसमें विजयी रहा। मतलब आपने गांव की सियासत से लेकर संसद की सियासत लगभग सभी कर ली है। एक जो सवाल, जब आप अपने छात्र जीवन का जिक्र कर रहे थे और सियासत की तरफ आप बढ़ रहे थे छात्र जीवन में, पारिवारिक स्थिति आर्थिक मामलों में कैसी थी उस समय? मध्यम वर्गीय की परिवार था, जो आवश्यकताएं वर्ष की होती थी इनके इकट्ठा होती थी, और कृषि पर आधारित परिवार था, फिर मेरे पिताजी प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते थे, तो पारिवारिक स्थिति बहुत समृद्ध वाली नहीं थी, लेकिन गांव में सामान्य तरीके से मर्यादित परिवार की स्थिति थी, और अब भी वही है आज भी, क्योंकि खेती वगैरह थी तो खेती से और सब हो जाता था। अब मान लीजिए परिवार में और लोग भी हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, हम लोग ज्वाइंट परिवार है, तो परिवार भी हमारे संघर्ष में हमारा साथ दिया, और हमारे बच्चे भी, जो कि हमारी शादी हो गई थी 18 वर्ष की अवस्था में, मैं जब हाई स्कूल की परीक्षा दिया था पर रिजल्ट नहीं निकला था तभी शादी हो गई थी, तो जब मैं 71 में मेडिकल में एडमिशन लिया तो हमारे बड़े लड़के शरद का जन्म हो गया था, तो ये भी लाइफ मेरी बड़ी स्ट्रगल थी, अगर हमारी पत्नी का सहयोग नहीं रहता तो हम इस लाइफ को चल ही नहीं पाते, लेकिन ज्वाइंट परिवार था, पिताजी थे, माताजी थे, भाइयों का भी बड़ा सहयोग रहा, तो सब चलता रहा, मुझे इसकी चिंता नहीं रहती थी।
और मेरे बच्चे इसीलिए शहर में नहीं पढ़े, सब गांव में पढ़े। शरद को तुम्हारे पिताजी भेज दिए थे सरस्वती शिशु मंदिर में गोरखपुर, फिर लखनऊ भेज दिए थे, क्योंकि उनके प्रथम पौत्र थे तो उनका बड़ा स्नेह रहता था। इसलिए परिवार भी स्ट्रगल किया है और अब भी स्ट्रगल कर रहा, चूँकि मेरी जो मेरा जीवन था वो मूलतः बहुत कम मैं समय दे पाता था परिवार को। मैं गोरखपुर कार्यालय पर लगातार 14 वर्षों तक रहा, कहीं से आता था रात को वहीं आता था, फिर यहाँ लखनऊ आया तो वही था, विधान परिषद सदस्य हो गया तो मुझे सरकारी मकान मिल गया, तो फिर 12 साल उसमें रहा, तब मैं परिवार लाया, तब अपने बच्चों को मैं लखनऊ लाया। तो ये जीवन स्ट्रगल की रही है और अभी स्ट्रगल की है। अब बड़ा लंबे समय तक, लगभग अगर एक मोटा मोटा अनुमान लगाए तो 30 वर्षों का आपका संगठन का जो है जीवन रहा, 30 से 35 वर्षों का, और अभी 2019 के बाद राजनैतिक जीवन, जिसको विशुद्ध राजनैतिक जीवन कहते हैं, जनता के बीच आके, उसके पहले सिर्फ संगठन का काम देखना, इन दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है और आनंद किस में ज़्यादा आता था या अभी आ रहा है? देखिए, हमको आनंद संगठन का भी, जब हम काम करते थे तो मैंने कहा ना, उसी समय चुनाव की राजनीति में भी थे, तो जनता से मैं हमेशा जुटा रहा, जनता के भी समस्याओं का समाधान, और फिर विधान परिषद सदस्य रहा तो जनता के भी टच में रहा, लेकिन संगठन हमारी प्राथमिकता थी और है। आज भी मैं अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में ज़्यादा रहता हूँ, उनको प्राथमिकता देता हूँ और जनता से भी जुटा रहता हूँ। मेरा मानना है कि अगर संगठन मजबूत है तो आप मजबूत हैं, और जनता से आपका संपर्क संवाद है तो आपका जनाधार भी ठीक रहेगा। तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ, निरंतर कैसे हमारा संपर्क संवाद होता रहे और संगठन कैसे सक्रिय हो, सशक्त हो, और कार्यकर्ता हमारा कैसे मजबूत हो, इस पर भी मैं रुचि भी रखता हूँ, ध्यान भी देता हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अंतर यह आया, देखिए पहले राजनीति में मूल्यों का महत्व था, जनता भी उसको पसंद करती थी जिसके जीवन में कुछ मूल्य थे, लोग बिल्कुल जनसंघर्ष करते करते और फटे हाल रहते थे, कहीं खा लेते थे, कहीं सो लेते थे, हम लोग यही जीवन जिए, लेकिन जनता का प्यार मिलता था, सम्मान भी मिलता था, जनता उनको सपोर्ट भी करती थी और ऐसे लोग चुने भी जाते थे। लेकिन एक काल आया, विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ, कि उसमें जाति का, धन का और बल का बोलबाला हुआ। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि 2017 के 14 के बाद हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा भी बदली है और दशा भी बदली है, और अगर हम ये कहें कि आज फिर से अब जाति भी डाइल्यूट हुई है और धन बल भी डाइल्यूट हुआ है, और 14 का चुनाव देखिए, हमारे 17 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, सभी चुनाव को देखिए, तो जाति गठबंधन हारे हैं, जातियां हारी हैं, राष्ट्र विकास इसकी जीत हुई है, और श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीयता जन जन तक पहुंचा दिया है, और सही अर्थों में मुझे इसकी संतुष्टि है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज की तारीख में। अंतिम दो सवाल, क्योंकि समय की भी गरिमा का ध्यान रखना है, आपके राजनीतिक जीवन में वो व्यक्ति कौन सा है जो ऑलरेडी राजनेता था जिसने आपको बढ़ाने में भूमिका निभाई हो, कोई ऐसा राजनेता जिसको आपको लगता हो कि उस व्यक्ति का बहुत योगदान रहा आपके राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे स्थापित करने में माननीय कल्याण सिंह, माननीय कलराज मिश्र जी, माननीय राजनाथ सिंह का बड़ा योगदान रहा, और देश को समझने में और राजनीति का जो मेरे आदर्श रहे वो श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि जब मैं महामंत्री था तो लोकसभा के वो सदस्य थे लखनऊ से, तो उनका जब चुनाव होता था तब भी उसमें मुझे दायित्व मिलता था, और उनसे जब जब मैं मिलता था तो मुझे स्फूर्ति भी मिलती थी, ताकत भी मिलती थी, प्रेरणा भी मिलती थी, और जो ध्येय था कि राष्ट्र, और जो कहते थे
कि निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, चलते रहो। मैं इसको आत्मसात किया और चलता रहा, और हमारे प्रदेश के नेताओं का मुझे हमेशा सहयोग मिला और कार्यकर्ताओं का खूब पर्याप्त स्नेह मिला। कार्यकर्ता भी हमको अति स्नेह दिए, और यही हमारी ताकत, यही हमारा परिवार, यही हमारा पूंजी है। और आज मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे स्नेह सम्मान भी मिला, और जिस ध्येय के लिए हम अपना जीवन समर्पित किए थे, आज वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। और मेरा विश्वास है कि हमारे रहते ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो श्रेष्ठ भारत की बात माननीय अटल जी कहा करते थे, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक भारत बना दिए, और श्रेष्ठ भारत भी इनके नेतृत्व में बनेगा, और भारत विश्व का एक श्रेष्ठ देश होगा। मैं उस तरफ भी भारत को जाते हुए देख रहा हूँ, और मेरा विश्वास है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भी पूरा होगा, और मुझे ये भी अवसर देखने को मिलेगा। अंतिम सवाल, यही अभिलाषा है जी, अंतिम सवाल है। जनता से बड़ी बात हुई, हमने कहा इंटरव्यू करना है सर का, कुछ अगर आपके प्रश्न हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जो परिस्थितियाँ पैदा हुई संत कबीर नगर से लेकर देवरिया तक, तो बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना था कि आपका पूरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, क्या ये बात सच है? क्योंकि हम संगठन के राजनीति के ही व्यक्ति रहे, चुनाव तो मैं लोगों को लड़ाता रहा, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता रहा। संगठन ने जहाँ महसूस किया कि नहीं यहाँ लड़ना चाहिए, वहाँ लड़ा। तो ये स्वाभाविक है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई इच्छा अपनी नहीं व्यक्त किया था। और अगर मैं ये कहूँ कि संगठन में पद या कोई चुनाव लड़ने के लिए मैंने कभी संगठन में इच्छा नहीं व्यक्त की, हमारे संगठन ने हमेशा नेतृत्व ने हम पर विचार करके, हम पर विश्वास करके जो हमें निर्देश दिया वो हमने किया। हमको निर्देश मिला कि चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ा, और जनता ने हमको स्नेह दिया, कार्यकर्ताओं ने हमको अपना सहयोग दिया, मैं विजयी हुआ। और अब भी मैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता का विश्वास अर्जित हो उस ध्येय को लेकर काम करता हूँ, और नेतृत्व की जो मंशा है वो पूरी हो और वही श्रेष्ठ भारत बने। अब यही एक अभिलाषा है, बाकी अभिलाषा तो बहुत आनंदमय है, तो वो भी मेरे विश्वास है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत भी बनेगा और हम उसमें भी सहभागी रहेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। उम्मीद है आपको भी अपने सियासी सफ़र की चर्चा करके पुराने दिनों याद आ गए होंगे, और एक एक चित्र आपकी आंखों के सामने शायद आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से। तो कोई भी राजनेता जब अपना सियासी सफ़र शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों से अगर कोई लड़ता जाता है तो उम्र सिर्फ एक संख्या मात्र रह जाती है, और अपना जो उसका ध्येय है, जो उसका लक्ष्य है, उसे वो निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। अगली कड़ी में किसी और राजनेता के सियासी सफर की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।